अच्छा, आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रखा है, पढ़े लिखे हो, तो आपको शर्म नहीं आती? जैसे शर्म किस बात की, काम है, काम में थोड़ी शर्म है। होटल मैनेजमेंट में भी जाके लोग पॉट धोते हैं, वो किस चीज की शर्म है? उसके भी लोग लाख रुपए ही देते हैं। तो आपको यहाँ पर भी लोग बोलते हैं कि हाँ भी अपने बच्चों को संभाल नहीं पाती, मैंने सुना है? तो सर बोलने दो, लोग तो इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं, बोलने का काम है, उनको कोई काम थोड़ी आता है, अपने आप खुद कुछ कर नहीं सकते, तो दूसरे को बोलने का ही काम है, देख के बस हाँ 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 करेंगे। और आधी रात हो गई है, आपके पास आपका सारा सामान पड़ा हुआ, तो आपके पास कोई कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? सर हमारी आधी रात हो गई है, हमारे को अब हम वेट कर रहे हैं, हमारा कब बिकेगा, जाएं अपने घर। हमें अपने पंजाब के बहन भाइयों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है, हमें अपने बच्चे भी पालने हैं। तो आपके ये छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ जी सर। तो आपको परिवार की सपोर्ट नहीं है? सर है, पर पता है क्या, एक्चुअली वो भी इतना वर्किंग, मतलब उनको भी वो भी रेडी लगाते हैं, तो इस करके वो भी कितना कर सकते हैं। मैनेजमेंट का कोर्स किया है, लोग दुकान अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप ठेला लगाकर बैठे हो, तो क्या हो गया सर? लगाना चाहिए, क्या हो गया उसमें? हमारे पास इतनी अभी इस टाइम इतने हमारी फाइनेंशियल इतनी अच्छी नहीं है, बैक जब होगी हम पक्का उसको भी अच्छा करेंगे, क्योंकि हमें एक क्वालिटी देनी चाहिए, क्वालिटी देनी चाहिए, बंदा अपने आप आएगा, रेडी हो भावे शॉप हो। हाँ। तो इस करके हमें कोई ये शर्म की बात तो नहीं है, हमने रेडी लगा लिया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड पहले भी बड़े काम करके देखे हुए हैं, हमारा इतना नहीं चला था पहले भी, पहले हमने मोबाइल का किया तब भी नहीं चला, उसके बाद हमने कपड़ों का पिछले साल ही सेल लगाई थी, उस टाइम भी हमारा इतना नहीं चला, हमारे काफी लॉस में चला गया जी। उसके बाद ही मेरा बेबी हो गया, उस करके हमें अपनी स्कूटी भी रखवानी पड़ गई जी। फिर उसके बाद हमने ब्याज पे रखवाई थी अपनी स्कूटी, बिकॉज हमारे पास इतना पैसा नहीं था, हमारे बेबी हुए उस करके। फिर उसके बाद हमने फिर रेडी इन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी, फिर रेडी स्टार्ट करी, रेडी में भी इतना प्रॉफिट नहीं होता था, अपना लॉस हो जाता था जी। फिर लगता था सुबह 4 बजे उठते थे रेडी के लिए भी, ये रात शाम तक लगे रहते थे, फिर भी इतना प्रॉफिट ना हो, लॉस हो जाए तो फिर दिल तो दुखता है ना। मैनेजमेंट का कोर्स किया है, लोग दुकान अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप ठेला लगाकर बैठे हो, तो क्या हो गया सर? लगाना चाहिए, क्या हो गया उसमें? हमारे पास इतनी अभी इस टाइम इतने हमारी फाइनेंशियल इतनी अच्छी नहीं है, बैक जब होगी हम पक्का उसको भी अच्छा करेंगे, क्योंकि हमें एक क्वालिटी देनी चाहिए, क्वालिटी देनी चाहिए, बंदा अपने आप आएगा, रेडी हो भावे शॉप हो। हाँ। तो इस करके हमें कोई ये शर्म की बात तो नहीं है, हमने रेडी लगा लिया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड पहले भी बड़े काम करके देखे हुए हैं, हमारा इतना नहीं चला था पहले भी, पहले हमने मोबाइल का किया तब भी नहीं चला, उसके बाद हमने कपड़ों का पिछले साल ही सेल लगाई थी, उस टाइम भी हमारा इतना नहीं चला, हमारे काफी लॉस में चला गया जी। उसके बाद ही मेरा बेबी हो गया, उस करके हमें अपनी स्कूटी भी रखवानी पड़ गई जी। फिर उसके बाद हमने ब्याज पे रखवाई थी अपनी स्कूटी, बिकॉज हमारे पास इतना पैसा नहीं था, हमारे बेबी हुए उस करके। फिर उसके बाद हमने फिर रेडी इन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी, फिर रेडी स्टार्ट करी, रेडी में भी इतना प्रॉफिट नहीं होता था, अपना लॉस हो जाता था जी। फिर लगता था सुबह 4 बजे उठते थे रेडी के लिए भी, ये रात शाम तक लगे रहते थे, फिर भी इतना प्रॉफिट ना हो, लॉस हो जाए तो फिर दिल तो दुखता है ना। सर हमारा होटल मैनेजमेंट करके मैं अगर कर लूँगी तो मेरा बेबी मेरे छोटे हैं, फिर मैं उनको कैसे मतलब रख पाऊंगी, अब उनको भी देखना होता है, मेरा छोटा बेटा मेरे बिना नहीं रह सकता, उस करके मुझे अपने घर में ही कुछ करना था। मैं कब से जॉब कह रही थी, पर मुझे अपने बेटे करके कुछ नहीं जॉब कर। सर हमारा मेरा ड्रीम था, मैं कब से ट्राई कर रही थी जॉब के लिए, पर जॉब मैं कर नहीं पाई बेबी करके, तो मैं कहा चलो अपना ही स्टार्ट करते हैं, क्या पता सक्सेस हो जाए, हम चाहते हैं कि हम करें, और पर कोई इतना ले नहीं रहा हमारे से, पता नहीं क्यों। फर्स्ट डे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, सेकंड डे भी बहुत अच्छा था, पर अब पता नहीं इतना नहीं है, देखो 9 बज रहे हैं, 9:30 बजे हमारा सामान रखा है। तो इतना सामान पड़ा हुआ ये कल बेचोगे आप? नहीं सर हम फेंक देंगे ये। हाँ जी सर, मैं अब आपको अपना पनीर वाला स्पेशल बर्गर बना के दिखाऊंगी। स्पेशल पनीर वाला, वो तो बहुत महंगा होगा सर। नहीं वो इतना महंगा नहीं है, इतना कॉस्टली नहीं है, 20 रुपीज़ का, हर कोई नॉर्मल बंदा भी खा सकता है और अच्छे घर का भी खा सकता है। आप पनीर वाला बर्गर 20 रुपए का दे रहे हैं? हाँ जी सर। इतना रेट कम रखने का क्या कारण? सर हम क्वालिटी पहले टेस्ट कराएंगे, हमें अपना ये दिखाने की आजकल ऐसे भी हम सस्ते दे सकते हैं। सारे सोचते हैं कि हम क्या कहते हैं मैकडोनल्ड्स वाला बर्गर इतना महंगा देंगे या कुछ, मैकडोनल्ड्स वाला सेम है, देखो हमारी टिक्की भी बिल्कुल मैकडोनल्ड्स वाली है, ब्रेड क्रम्स वाली, नॉर्मल टिक्की नहीं है हमारी जी। हाँ जी सर, अब इसमें ये देखिए हमने खीरा लगाया, कुकुम्बर लगाया, अनियन लगाया, फिर हम पनीर का स्लाइस लगाएंगे, ये देखिए सर पनीर की स्लाइस है, ये हमारा स्पेशल मसाला है, और ये हमारी तंदूरी सॉस है। श्री शीर्षा रोड पिछोरी कैंप के नियर अमृतसर। सर हमारा मोबाइल नंबर है 7696844205। बिल्कुल भाई, सही सुनया, 20 रुपए प्लेट, 10 रुपए की भी दे दी, अभी 10 रुपए दे दी।
हाँ जी हाँ जी चाँ पे गए 30 रुपए दो पीस मलाई वाले मलाई हाँ जी नहीं मलाई वाले 10 रुपए का स्प्रिंग रोल है जी 10 रुपए का आलू रोल है बिल्कुल भाजी 20 रुपए का ड्रैगन रोल है जी भाजी हाँ जी मंचूरियन है 50 के 8 पीस है जी भाई ग्रेवी वाले हाँ जी ये न्यूडल भाजी रेस्टोरेंट वाले पीले आम न्यूडल भी होंगे साढ़े भाई ये तुम खा के पता लगना वीर जी मेरे को पहलो ना इतने टिक्किया का अड्डा सीगा हाँ जी तो हौली हौली कहते भाजी चांपा भी लाओ चांपा लाते गए चांपा तो बाद फिर बर्गर के फिर ऑर्डर आने शुरू हो गए तो फिर हौली हौली सारा ही बाबे की कृपा नहीं सामभिया नहीं जाता जी बिल्कुल जी बिल्कुल भाजी हर कोई खा सकता बच्चे अजक 10 रुपए मिलते हैं भाजी तो बच्चा फिर 10 रुपए तुम पता कि जाऊगा है ना तो इस करके रेट जायज ही रखे जो सारे को सारे खा सकन हाँ बचे ना बचे महाराज की देन है गुरु रामदास की नगरी बैठे हैं कोई ना कोई लैके जावे घरे भाजी स्वीट कॉर्न मटर सारिया सब्जियां पाई हुई हाँ जी 10 रुपए का देना हाँ जी अपना काम करते पे हैं हाँ जी मेरे हस्बैंड मेरे नाल होंगे सगो हाथ मंडाना चाहिए मैं तो यही कहनी थी हर एक लेडीज ना अपने हस्बैंड के नाल मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के खड़ना चाहिए ये भाई टमाटो सॉस जी टमाटो सॉस आ गई चिल्ली सॉस आ गई भाई सॉस आ गई टिक्की आ गई मेरी ये भाजी मैं नहीं सागी ओ भाई चांच क्रीम पाई जी टमाटर आ गया प्याज आ गया थोड़े हां जी हां जी गार्लिक वीर आ गया बर्गर 30 रुपए दिल्ली चल जाओ लुधियाने चल जाओ जलंधर चल जाओ भावें चल जाओ बठिंडे भाजी रेट जलंधर दिल्ली जिथे मर्जी चल जाओ भाजी तुहानू ये रेट कितने नीचे मिलना भाजी सच बोल रहे हो 65 रुपए का बिल्कुल भाजी 65 रुपए वाह जी वाह भाजी की ईमानदारी लगती है पूरी कि 15 रुपए की अगले ने सीधी कह दी बोतल मेरे हिसाब से तुहानू कुछ नहीं बचता होना भाजी बचे ना बचे सर गाहक खुश होकर जाना चाहिए वाह जी वाह भाजी अपना एड्रेस दस दो जी किसी ने आना हो भाजी आप सामने स्कूल ऑफ फेमिनेंस पैंता जी भाजी और बिल्कुल सामने है छियाटा रोड अटारी रोड बचपन च असि पीने रहे हैं दूध सोडा कि लोकी अजकल रंग आलियां बोतलां यूज करदे आ मगर जिहड़ी है पुराने जमाने च इही चलदा हुंदा सी दूध सोडा होर कोई ड्रिंक नहीं हुंदी सी ते तुसी एक ऐ वाला फ्लेवर पाओ कि जिहड़े लोग भुल गए पंजाब दे कि बरंटे वाली बोतल कहिंदे आ सी बरंटे वाली बोतल कहिंदे ना दूध सोडा जिहड़ा नॉर्मल जिहड़ा चलदा हुंदा सी ऐ पिलाओ अपना स्पेशल बनाऊंगी दूध सोडा हां जी इह जिहड़ी कि गोली वाला बत्ता जिन्हों कहते हैं हाँ गोली वाला बत्ता जेडे कि अजकल लोग भुल चुके हैं इन्हों असी इनू दुध सोडा दुध पा के इनू आप तैयार करा जो कि कई रोगों शरीर दे गैस गूस वास्ते सही है गैस दूर करे अजकल के जमाने जिम्मे लिमका चलती है फेंटा चलती पी है मगर यह जी पुरानी एनर्जी ड्रिंक हैगी पहले यही होया करती सी हाँ जी बत्ते वाली बोतल गोली वाला बत्ता पा दिता वा बत्ते वाली बोतल पाती है हाँ जी हम आप थोड़ा जहा दुध मिक्स करांगे जी ए थोड़ी जी आप कतीरा गूंद पावांगे शरीर वास्ते बहुत ही ठंडक पहुंचाती है जी बच्चे भी इन खुश होके पींदे आ जी तो बच्चे बड़े भी पींदे आ ते छोटे भी पींदे आ सारे इन ड्रिंक नो थोड़ी आइस आ गई हनी मिठा ठंडी पानी है वाह अजकल दिया मावां हैं ना मैं 2-3 वीडियो कीतियां वा कि अजकल मावां जिहड़ियां हुंदियां ना बच्चियां वास्ते किड्डे वड्डे भी बच्चे हो जाण फिर भी अपना बच्चियां वास्ते मेहनत करदियां पईआं कि मेरे बच्चे सैटल हो जाण ते आंटी जी ने दूध सोडा तैयार कर तैयार हो गया आंटी जी दूध सोडा हाँ जी हाँ जी दूध सोडा तैयार जो हुण कि इहो जिहियां मावां हर किसे नूं परमात्मा दवे
जिन्ना प्यार बच्चों मावं कर दिया ना, बच्चे भी इन्ना प्यार अपन मावं नूं करन। ये अपना दुध सोडा तैयार हो गया जी। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਗਲਾਸ? ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਸ਼ਾਟਾ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਮਰ ਡਰਿੰਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਰ ਸਕੋਇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹਲੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਲੀਜੀਏ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾਏਗੀ ਬਟਰ ਸਕੋਚ ਬਣਾਉਂਗੀ ਮੈਂ। ਬਟਰ ਸਕੋਚ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮਿਲਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ? ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਟਰ ਸਕੋਚ। ਬਟਰ ਸਕੋਚ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੇਵਰ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਣੀ ਬਣਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਚੀਨੀ ਜੀ। ਖੰਡ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਆ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਈਸ ਸ਼ੇਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਆਂਟੀ, ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ? ਟੇਸਟ ਵੀ, ਟੇਸਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ? ਇਹਦਾ 50 ਰੁਪੀਸ। 50 ਰੁਪੀਸ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਜੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਿੰਕ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਪੀਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਾਟਾ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਮਰ ਡਰਿੰਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।